बिहार के दानापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शगुना मोड़ स्थित एक कार सर्विस सेंटर में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते सर्विस सेंटर में रखी दर्जनों गाड़ियां जलकर राख हो गई। हालांकि सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आसपास के घरों को भी खाली करवाया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। इस अगलगी की घटना में दर्जनों लग्जरियस गाड़ी जलकर राख हो गई, करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल इस पूरी खबर पर जो अपडेट सामने निकल कर आया है, उसमें ये बताया जा रहा है कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस अगलगी की घटना में दर्जनों लग्जरियस गाड़ियां जलकर राख हो गई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हुंडई का वर्कशॉप है, उसमें आग की घटनाएं हुई और उसके कारण जो आग जो काफी पहले ने फोड़ कर दिया और ये आग की जो घटनाएं वो काफी दूर तक है। लेकिन हमारी गाड़ी बड़ी तत्परता से हम लोग को आग से सूचना मिली थी, आग का आग को नियंत्रित किया और कंट्रोल किया। यदि हमारी टीम और हमारी गाड़ियाँ नहीं आग कंट्रोल की रहती तो कई 300 से 500 गाड़ियाँ डैमेज हुई। अभी मुश्किल से 25 गाड़ियाँ के हैं, 15 से 25 गाड़ियाँ डैमेज हुई। सर कितनी गाड़ियाँ लगी फायर के करीब हम लोग की 30 गाड़ी लगी हुई थी और हमारे पास 60-70 जो है कर्मी काम कर रहे थे। सभी अलग अलग टीम थी, एक्शन की टीम अलग थी, रेस्क्यू करने वाली टीम अलग थी, पीछे से प्रोटेक्शन टीम अलग थी। हर तरह से हर प्रकार के टेक्निक का प्रयोग किया गया है, फोम टेंडर का उपयोग किया गया क्योंकि आयल की आग थी तो यह पानी से नहीं पूछ सकती थी, इसलिए इसका फोम टेंडर का इस्तेमाल किया गया है। हमारी फोम वाटर टेंडर जो बड़ी गाड़ियाँ थी, 12 लीटर वाटर बॉजर था, सभी के बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने का कार्य ऐसा हुआ है। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर रिले किया गया गाड़ी जाने का उसके पॉइंट तक स्थान नहीं। सर आग पे पूरी तरह काबू पा लिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ दानापुर से हमारे सहयोगी पशुपति फोन लाइन पे जुड़ गए। पशुपति, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक कार सर्विस सेंटर में भीषण आग लग गई। कैसे ये आग लगी, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, अगले सुबह लगभग 9 बजे के 8:30 और 9 के बीच में आग लग गई। दानापुर स्थित शगुना मोड़ हुंडई का सर्विस सेंटर है और सटे ही फोर्ड का भी सर्विस सेंटर है, दोनों एक ही में इंक्लूड था, जिसमें शॉर्ट सर्किट के प्रथम दृष्टया तो अधिकारियों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, जिसमें 30 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद, लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया। लगभग करोड़ों का नुकसान बताया जाता है, दर्जनों गाड़ियां जल के खाक हो चुकी है। मौके पर दमकल की जो वरीय अधिकारी है टीम पहुंची और आग पे काबू पाया गया। जी बिल्कुल। और ये भी बताया जा रहा है कि इस अगलगी की घटना में करोड़ों का नुकसान हुआ है, लग्जरियस गाड़ियां थी जो जलकर राख हो गई। जी आपको बता दें कि लगभग 50 गाड़ियां जो हैं वो जल के, जो कस्टमर का भी गाड़ियां जो सर्विसिंग के लिए लाया गया था वो सब जल के खाक हो गई। और उसमें ये है कि नई गाड़ियां भी लगी हुई थी लेकिन वो गाड़ियां जली नहीं, और फोर्ड का भी जो गाड़ियां लगी हुई थी सर्विसिंग के लिए वो उस घेराबंदी के सटे हुए थे। इतनी आग की लपटें तेज थी कि उसके गर्माहट से बहुत सारी गाड़ियां पिघल गई। जी आपको बता दें कि मनोज कुमार नट जो फायर पटना ऑफिसर के अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम सर्विस सेंटर में नहीं किया गया था, कार्रवाई की जाएगी, जांच जारी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पशुपति।